मुरादाबाद में भगवा रक्षा वाहिनी का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा वाहिनी के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजकों द्वारा बताया गया कि आज भगवा रक्षा वाहिनी का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें और इसमें सभी लोगों की भागीदारी रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिशंकर जैन, आशीष तिवारी, राजू शुक्ला, गुरु प्रसाद कश्यप, राजकुमार गुप्ता, जगदीश सैनी के साथ भगवा रक्षा वाहिनी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। रक्षा वाहिनी के पदाधिकारियों का कहना था कि हर वर्ष स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम 7वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें भगवा रक्षा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों का भरपूर योगदान रहा है। आज के स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल भंडारा और सदस्यता अभियान भी किया गया है। आज भगवा रक्षा वाहिनी का 7वां स्थापना दिवस है और 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है विशाल भंडारे का कढ़ी और चावल का जो है यहाँ पर वितरण करने का आयोजन किया गया है और सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा आज के दिन में। संगठन में जोड़ने के लिए लोगों को आगे हिंदुत्व के लिए जागरूक हों, ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। और भगवा रक्षा वाहिनी की तरफ से साल भर में 5 या 6 भंडारे का आयोजन किए जाते हैं हर क्षेत्र में। ये अब शुरू हो गया है 12 बजे से और शाम 4 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त भगवा रक्षा वाहिनी का आज जैसे 7वां स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये हमने एक प्रसाद के रूप में यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन किया गया है, जिससे सभी लोग, सभी राहगीर जो आने जाने वाले लोग हैं, वो इस प्रसाद को ग्रहण कर सकें।